हेलो डियर स्टूडेंट रोटेशनल डायनेमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें ढेर सारे बेसिक्स छुपे पड़े हैं पार्टिकल ऑफ मास टू के जी इज मूविंग अलॉन्ग लाइन ए बी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वाई इजल्स टू एक्स माइनस फोर मतलब ये वाई इज इगल टू एम एक्स माइनस सी के को फॉलो करता हुआ एक पार्टिकल आगे बढ़ रहा है जिसकी स्पीड है चार मीटर पर सेकेंड देन एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट हो मुझे पॉइंट ओके रेस्टोरेंट में एंगुलर मोमेंटम बताना है. एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम लोग मसाला तैयार करते हैं ओके okay, क्या क्या चीज़ों की जरूरत है क्वेश्चन में पहली बात तो ये कि अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना हो किसी भी पॉइंट के रेसेट में उसका फॉर्मूला होता है एम वी आर ओके सो एम वी आर में मास है एम तो वी है पार्टिकल की वेलोसिटी और आर है जिस पॉइंट के रेसेट में आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन से ये जिस लाइन के अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है ना इस पार्टिकल की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमको लेनी है ओके तो so, सबसे पहले जो खास बात है यार यहाँ पे बेसिक्स की वो यही है कि हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आना चाहिए अगर तो कोई भी लाइन है आपके पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिक्वल्स टू जीरो ये तो कि किसी भी लाइन की इक्वेशन है और अगर आपको ये इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ये लाइन में ऐसे बना दूँ ऐसे बना दूँ कैसे भी बना दूँ ए और बी की वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है ओरिजिन से अगर मेरे को उसकी डिस्टेंस निकालनी हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इसका एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हो बहुत आसानी से नहीं पता है तो फिर कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा तो स्टार्ट करते हैं हुं? देखो मैंने क्या किया है कि जो मेरे को लाइन दे रखी है y इज इक्व टू एक्स माइनस फोर यही है ना वाई इजिकल टू एक्स माइनस फोर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया इस एक्स को इस तरफ ले गए लेफ्ट हैंड साइड में तो ये माइनस एक्स हो गया प्लस वाई और इस फोर को भी इधर ले गए तो प्लस फोर इजिकल्स टू जीरो एक्स का कॉफिशेंट होता है ना वो ए होता है ओके जो वाई का कॉफिशियट होता है वो बी होता है और ये कॉन्स्टेंट होता है तो जो एक्स का कॉफिशियंट है ए इसकी वैल्यू माइनस वन है बी की वैल्यू वन है क्योंकि वाई का कोफिशियंट वन है और सी की वैल्यू फोर है अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो उसका फॉमूला है सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने पहला काम तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का ही किया दिस इज फोर रूट ए स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर मेरे पास में आर परपेंडिकुलर आ गया फोर अपॉन रूट टू ओके दिस इज आर परपेंडिकुलर अब आपका पार्टिकल मूव कर रहा है एस से और पार्टिकल की जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है फोर मीटर पर सेकेंड और मास दे रखा है टू के जी तो बस मैं एल का फॉर्मूला लगा रहा हूँ एम वी आर परपेंडिकुलर मास है टू के जी दिस इज़ फोर एंड आर परपेंडिकुलर मैंने निकाल लिया फोर अपॉन रूट टू जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो यू विल गेट ये सिक्सटीन हो गया और सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू अपॉन रूट टू मेरा आंसर आया है ना यूनिट आ जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड जब आप ऑप्शनस में देखेंगे तो देखो आप थर्टी टू अपॉन रूट टू कहीं है ओके okay, कोई बात नहीं इन uh, ऑप्शंस की फॉर्म में लेकर आते हैं हम लोग थर्टी टू अपॉन रूट टू जो मेरे को दिया हुआ है मैं काम करता हूँ उसको रूट टू से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऐसा करने से थर्टी टू इंटू रूट टू अपॉन टू हो गया ये सिक्सटीन हो गया तो मेरा आंसर आ गया सिक्सटीन रूट टू जरा मैंने ऑप्शन में देखा तो मुझे सिक्सटीन रूट टू आंसर में मिल रहा था ओके सो दिस इज़ एंगुलर मोमेंटम तो सबसे पहले कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले उसका बेसिक कंसेप्ट तैयार कर लो देन फिर मैथमेटिक्स करना आसान हो जाता है इसी प्रकार के और ढेर सारे फिजिक्स के क्वेश्चन को देखने के लिए जुड़े रहिए है एपीजी की दुनिया पर